तो मेरा नाम है कुशल कुमार, ये मारुति सुजुकी अल्टो K10 का BXI वेरिएंट। मैंने आपको इस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया जो कि LXI वेरिएंट था। उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और ये है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट। 5 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको इस कार का BXI वेरिएंट मिल जाता है। तो क्या क्या फीचर्स रहने वाले इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो आज हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्पीकर्स हो गए, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इसके BXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो ऐसा देखते कितनी कॉम्पैक्ट लगती है देखने में। तो विषय मैं कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है, मैं इस कार की उस तरह की आपको उस कार में की मिल जाएगी। बेसिक सी की रहने वाली है, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको उस में नहीं मिलती है। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएगा, इंडिकेटर में रहेगा बल्ब। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो। कोई सा मॉडल ले लो आप एल्टो K10 का, फ्रंट प्रोफाइल सेम रहती है। और ये इस कार की साइड प्रोफाइल इसे आप देख सकते हैं। इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिल जाएगा, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। ये इस कार के व्हील 13 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। 1845x80 R13 की प्रोफाइल रहेगी। ये इस कार का ORV जो कि आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, डोर हैंडल्स बॉडी कलर के। और ये इंटीरियर इस कार का जो कि पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको यहाँ पर। और जो ORV रहेंगे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, मैनुअली करे जाएंगे। स्टिक मिल जाती है। बी पिलर हो गया बॉडी कलर का। ये रही ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल। फिर ही कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की जैसा आप देख सकते हैं। ऊपर साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा, है मेड स्टॉप लैम्प हो गया यहाँ पर। एल्टो K10 की होगी यहाँ पर बेजिंग। और ये इसकी टेल लाइट, इंडिकेटर, बैक लाइट में हो गया बल्ब। सुजुकी का हो गया लोगो। कार की बूट का लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है की से। और एक इंटीरियर में भी मिल जाएगा आपको। और ये इस कार का बूट। 5 सीटर आपको नहीं मिलती है इस वाले वेरियंट में। इस साइड हो गए 2 पार्किंग सेंसर। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने कुछ फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर से मिल जाते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसके बेस मॉडल यानी कि LXI वेरिएंट से, तो आपको उसमें व्हील कवर्स मिल जाते हैं जो कि आपको LXI वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। फिर अगर आप इसके टॉप मॉडल यानी कि BXI प्लस वेरिएंट के साइड जाएंगे तो एक्सटीरियर से कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। फीचर्स में जो डिफरेंस रहता है वो इंटीरियर में रहता है। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखो कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार के एक्सटीरियर में। बॉडी कलर का ही बम्पर और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। और रूफ एंटीना मिल जाएगा, वो मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको इस कार के ORVs। इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करते हैं 55 BHP की पावर और 82 Nm का टॉर्क। काफी छोटे साइज की डायमेंशन की कार रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड डोर, स्टिक मिल जाती है आपको यहाँ पर ORV को एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का। बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस। और स्पीकर्स हो गए, वो बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट जिसमें आपको रिक्लाइन करने का मिल जाता है। ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर्स में नहीं है। और ये इस कार का बैक डोर, ओपन हो गया ब्लैक कलर का। मैनुअली विंडो मिलेंगी आपको रेयर में। पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं है, चाहे इसका कोई सा वेरिएंट ले लीजिए, चाहे अपर वेरिएंट ले लीजिए। स्पीकर्स हो गए। सब जैसे उस तरह का मिल जाएगा आपको इंटीरियर इस कार का। क्या क्या फीचर्स मिलने वाले आपको इस कार के इंटीरियर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टेयरिंग व्हील से ही। तो सुजुकी का मिल जाएगा आपको यहाँ पर लोगो। SRS एयरबैग की होगी बेजिंग। फ्रंट 2 एयरबैग्स रहने वाले इस कार में। फुली डिजिटल मिलने वाला आपको इस कार में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का, यहाँ पर आपको बीच में स्पीडोमीटर मिल जाएगा। बीच में मिल जाएगी आपके छोटे साइज की MID जिसमें आपको इसका फ्यूल का कितना चल गया कार और टाइम जैसी चीजें आपको इसमें दिखती रहेंगी। और साइड में कुछ अलर्ट लाइट्स हो गई। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट सर्कुलर में मिल जाएगा। इंटरनली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको ORVM, जहाँ पर आपको स्टिक मिल जाती है। और ये सेंटर कंसोल इस कार का। 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे। 2D का हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम। हजार टाइट का बटन। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इस कार में। मैनुअली AC 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस और 2 कप होल्डर्स। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार। कुछ इस तरह का गियर नॉब मिल जाएगा आपको इस कार में। वो मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस मिल जाता है आपको सारे ग्लव बॉक्स में। ऐसे आप देखते कितना स्पेस रहने वाला है। और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर या फिर टिकट होल्डर जैसी चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं रहने वाली है इसमें। कैबिन लैंप हैलोजन में। और ये को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल वो किस तरह की रहने वाली है इस कार की। फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको उसमें नहीं मिलेगा। कुछ तरह की फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये को ड्राइवर साइड डोर, डोर अपना ब्लैक कलर का। बटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। तो चलिए फिर लेके चलता हूँ आपको इस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम रहने वाला है वहां पर। मेरे हिसाब से कितना लेग रूम मिल जाएगा। लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कभी नहीं रहेगी इस कार में। और रेयर सीट पर बैठे उस तरह का लगता है डैशबोर्ड। फ्रंट में आपको कैबिन लैंप मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पर कोई भी कैबिन लैंप देखने के लिए नहीं मिलेगा।
फ्रंट में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट, बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। वही रहा बैक डोर, डोर पिन हो गया ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो। वाटर बोर्ड के लिए स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, बस आपको यहाँ पर स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, कितने साइज का रहने वाला है बम्प। तो भाई ओवर कुछ तरह का इंटीरियर कार का, जो भी कुछ आपको इस कार का इंटीरियर मिल जाता है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ऐसा नहीं कुछ तरह का कार का बोक रहा हूँ, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे बॉडी ग्रेड का बम्पर हो गया, रूफ एंटेना, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल मिरर, टू डी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, टू स्पीकर, सेंटर लुकिंग मिल जाएगी आपको उसमें, रिमोट सेंटर लुकिंग नहीं मिलेगी। वो आपको इसके अपर वेरियंट यानी कि BXi प्लस वेरियंट में दी जाती है, और ना ही आपको इस वाले वेरियंट में रेयर डोर में पावर विंडो दी जाएंगी। और आपके वाले फीचर्स चाहिए तो आप इसके अपर वेरियंट यानी कि BXi प्लस वेरियंट को देख सकते हैं, जो 34,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने होंगे BXi प्लस वेरियंट के लिए। तो अगर आपको इस कार के वो वेरियंट की वीडियो देखनी है, फिर आप किसी और कार का बुकराउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।